क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि जब कभी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको फूड क्रेविंग जैसी फीलिंग्स आती है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल इसे इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग कहा जाता है और ऐसा तब होता है जब लोग नेगेटिव फीलिंग से उबरने के लिए खाने को जरिया बनाते हैं। ऐसे में इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाया जा सकता है। आइए जानते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ खास तरीकों के बारे में। सबसे पहले फूड डायरी बनाएं। बता दें, आप एक डायरी खरीदें और जो भी आप खाते पीते हैं उनकी डिटेल डायरी में लिखें। आप ये भी लिखें कि आपको भूख कब लगी और खाने के वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे। इससे आपके भूख का सही पैटर्न पता चलेगा और आप इससे छुटकारा पाने के तरीके भी ढूंढ पाएंगे। दूसरा है, स्ट्रेस से दूर रहें। इस बात पर ध्यान दें कि आप किन बातों से स्ट्रेस में आते हैं। ऐसे में या तो उन बातों को इग्नोर करें या ये बात खुद को समझाएं कि स्ट्रेस लेने से कुछ भी फायदा नहीं बल्कि आपको अननेसेसरी लॉस ही उठाना पड़ता है। ऐसे में आप योगा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। तीसरा है, जंक फूड ना रखें। स्ट्रेस ईटिंग से उबरने के लिए ये एक जरूरी स्टेप है। आप अपने घर में उन सभी जंक फूड्स और ड्रिंक्स को ना रखें जो अनहेल्दी हैं और जो आपके क्रेविंग को बढ़ावा देते हैं। चौथा है, फिजिकल एक्टिविटी। एक स्टडी के मुताबिक कुछ ऐसे लोगों ने 8 सप्ताह तक खुद को योगा में एंगेज रखा और पाया कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन से कम प्रभावित हुए और उनका फूड क्रेविंग भी कंट्रोल हुआ। आखिर में है हेल्दी डाइट। अगली बार जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से फूड क्रेविंग हो तो आप हेल्दी डाइट ट्राई करें, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, सलाद, प्लेन पॉपकॉर्न, लो फैट लो कैलोरी वाले फूड आइटम। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।